प्रदेश में कोविड-19 के चलते मेन पावर नर्सेस की कमी। कोरोना वायरस को लेकर संपूर्ण राजस्थान में चिकित्सा कर्मी एवं नर्सेस कमी लगातार जूझ रहे हैं एवं उनके बेहतर प्रयास हैं कि कोरोना वायरस को राजस्थान से मुक्त किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री जी द्वारा भी काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आप सभी राजस्थान वासियों से कहना चाहता हूँ कि आप घर पर स्टे करें और राजस्थान सरकार जो द्वारा इसे बचाव के लिए जो दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं उनका बखूबी पालन करें। आप दिन में गर्म पानी का जरूर उपयोग करें। मैं राजस्थान के नर्सेज कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस महामारी के समय में आज राजस्थान के साथ हैं, राजस्थान की जनता के साथ हैं एवं लगातार अपनी चिकित्सा सेवाएँ निरंतर सेवा में दे रहे हैं। मैं राज्य सरकार का ध्यान नर्सेज भर्ती 2018 की ओर ले जाना चाहता हूं। वर्तमान हालातों को देखते हुए राजस्थान में नर्सेज कर्मियों की विशेष कमी है। आप राजस्थान प्रांत के हर ज़िले में जहां पे भी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो या पीएमओ लेवल की बात हो या सीएमएचओ अंडर की बात हो, हर जगह पर नर्सेज कर्मी की कमी देखी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप जो नर्सेज भर्ती 2018 में 12,000 सफल अभ्यर्थियों का अंतिम चयन सूची में चयन हो चुका है उनको नियुक्ति देते हुए इस नर्सेज की कमी को निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। अगर 12,000 नर्सेज को रोज़गार मिलता है तो निश्चित रूप से राजस्थान में नर्सेज की कमी दूर होगी एवं राजस्थान की जनता को बेहतर लाभ मिल पाएगा। हम राजस्थान को कोरोना से बचाने के लिए मजबूत हो पाएंगे। मेरा ये मैसेज माननीय मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री जी द्वारा चिकित्सा मंत्री तक राजस्थान की जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी पहुंच रहा है। मैं आपसे पुनः एक बार अपील करूंगा कि राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति की मांग एवं राजस्थान के लगभग जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 12,000 सफल चयन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का कार्य करें, जिससे मैन पावर नर्सेज जो संपूर्ण राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं दे रही हैं वो राजस्थान को कोरोना से बचाने के लिए बेहतर प्रयास कर सकें एवं राजस्थान की जनता को वो कोरोना से बचने के लिए बचा सकें। धन्यवाद।